अब ये तो चलेगा, ये तो आंदोलन लंबा चलेगा, ये तो लंबा खींचना है आंदोलन, क्योंकि सरकार बिल वापसी को तैयार नहीं है, किसान घर वापसी को तैयार नहीं है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान करीब 45 दिन से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरना प्रदर्शन के मामले में याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया। अर्जी में कहा गया है कि किसानों को सीमा से हटाया जाए, रास्ता जाम कर प्रदर्शन करना शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के खिलाफ है। अब ये तो चलेगा, ये तो आंदोलन लंबा चलेगा, ये तो लंबा खींचना है आंदोलन, क्योंकि सरकार बिल वापसी को तैयार नहीं है, किसान घर वापसी को तैयार नहीं है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा कि प्रदर्शन और रास्ता जाम होने की वजह से हर रोज 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, कच्चे माल की कीमत 30% तक बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले अंतरिम आदेश में कहा था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। अर्जी पर सोमवार को शीर्ष न्यायालय में सुनवाई होनी है। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए 8वें दौर की बातचीत हुई। इस बैठक में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। किसान और सरकार वार्ता में 8 जनवरी को 40 किसान संगठनों ने भाग लिया। किसानों ने मांगे नहीं मानने पर गणतंत्र दिवस पर राजधानी में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। किसानों के साथ अगले दौर की बैठक 15 जनवरी को होगी।